सो हे गाइस, मैं सुजीत। टुडे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ शेयरिंग, ठीक है। प्रेस्टीज टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, थ्योरी ऑफ शेयरिंग। थ्योरी ऑफ शेयरिंग तो उसके अंदर जो जितने सारे स्टेजेस आते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, थ्री तरह के स्टेज आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है थ्योरी ऑफ शेयरिंग, या शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग इज द मेथड ऑफ कटिंग सीट और स्ट्रिप विदाउट फॉर्मिंग चिप। द मटेरियल इज स्ट्रेस इन दो सेक्शन विच लाइंस पैरेलल टू द फोर्स अप्लाई, ठीक है। थ्योरी ऑफ शेयरिंग का मतलब एक प्रोसेस रहता है जिसमें हम लोग शीट मेटल है, एक शीट मेटल होता है जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फोर्स अप्लाई करते हैं जिसमें पंच होता है, एक नीचे डाया होता है, उसमें फोर्स अप्लाई करके जो कंपोनेंट निकलता है प्रेशर से, उसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। वो हो गया। आप सुनिए, जैसे देख पा रहे हो ये पंच हुआ, ये पंच देखिए, ऊपर में ये पंच दिख रहा होगा, यहाँ नीचे डाया है जिसमें कंप्रेस फोर्स लगा के ये शीट मेटल को काट रही है, ठीक है। जैसे ये भी एक ऑपरेशन हुआ, इसको भी ये शेयरिंग फोर्स, देखिए शेयरिंग फोर्स इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे ये आपका पंच है और ये डाया है, और किस तरह से मेटेरियल को ब्लैंक कर रही है, ब्लैंक पीस कट कर रही है, ठीक है। ब्लैंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये हुआ शेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो पंच अंदर जा रही है, ठीक है ना, पंच जा रही है और मेटेरियल को जो काट रही है सीट मेटल को, ठीक है, ऊपर से प्रेशर से। तो इसमें स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीन तरह से स्टेज आती है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर दूसरा आता है पेंटेशन, उसके बाद उसमें फ्रैक्चर आती है। मतलब तो सबसे पहले आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। द फोर्स अप्लाइड बाय द पंच ऑन द स्टॉक मेटेरियल टेंड्स टू द डिफॉर्म इनटू द डाया ओपनिंग। देखिए ये जो पंच है, यहाँ पे ये जो पंच आपको दिख रही है ऊपर में, और ये डाया हुआ, ये नीचे का हिस्सा को डाया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका अंदर जो हम लोग इसमें पंच के फोर्स लगाए तो यहाँ छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब उस शेप का लेना, जो शेप का आप काट रहे हैं शीट मेटल को, उस शेप का लाना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये जगह पे, ठीक है, ये जगह में इसको डिफॉर्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो उसको जो डिफॉर्म होना, जो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हल्का से उसमें डिफॉर्म आता है। उसके बाद क्या होता है दूसरा स्टेज में, पेंटेशन। एज द लोड इज द फर्दर इंक्रीज्ड इज द पंच विल बी पेंट्रेट द मेटेरियल टू द सर्टेन डेप्थ। अब क्या होने लगा, अब उसमें फोर्स जैसे इंक्रीज होने लगा तो उसको पेंट्रेट होने जाएगा। अब उसको जो ये हुआ, मतलब जहाँ तक फ्रैक्चर के पहले का हिस्सा तक हम लोग पेंट्रेट कहते हैं, जैसे यहाँ से जो यहाँ तक का जो हिस्सा रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, वो पेंट्रेशन का होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से कट चुका है, अब धीरे धीरे नीचे आ रही है, मतलब पेंट्रेट लग रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंट्रेशन बोलते हैं, ये स्टेज को, सेकेंड स्टेज को। और थर्ड स्टेज में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा जो फ्रैक्चर कर चुकी है, ये जो है देखिए यहाँ से पूरे अच्छी तरह से वो पूरा फ्रैक्चर वो टूट चुकी है वहाँ से, ठीक है। मतलब अप्रोच आप क्या है, धीरे धीरे वो कंपोनेंट नीचे आने लगेगी। तो ये हुआ थर्ड स्टेज, ठीक है। फ्रैक्चर इन द स्टेज फ्रैक्चर स्ट्रेट स्टार्ट फ्रॉम द बोथ अपर एंड लोअर कटिंग एज। जो यहाँ पे कटिंग एज सब है उससे पूरी तरह से कट के और नीचे धीरे धीरे आप लोअर आने लगेगी, तो कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। तो इसमें तीन स्टेज होती है शेयरिंग में, ठीक है। पहला था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा था पेंटेशन, और थर्ड था फ्रैक्चर। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी दी आप समझ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए कमेंट करके। मैं इसी तरह और वीडियो लाते रहता हूँ, प्रेस्टीज टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी, CNC, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, और टूल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। तो अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके, ठीक है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।